जय श्री राम दोस्तों, एसपी जय किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ लच्छा पराठा। लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने ली हूँ ये थोड़ी इतना सा एक डेढ़ कटोरी छोटी कटोरी से मैदा, ये 150 ग्राम होगा। डालूंगी एक चुटकी ये अजवाइन, देसी घी, इसको मैं ऐसे मिला लूंगी। ये मैदा गूंद के मैं रखी हूँ, अब इसको मैं पराठा बनाने जा रही हूँ। बेलन के लिए बना के बेल लूंगी। इसको मैं इस तरह बेल के ऐसे काटूंगी, पतले पतले शेप में इसको मैं काट लेती हूँ। अब इस पर मैं थोड़े से तेल लगा देती हूँ। अब इसको मैं ऐसे कर मोड़ लूंगी, सारे को ऐसे रोल बना लूंगी। देख सकते हैं मैं इस तरह से इसको रोल बना लिया। अब इसको इस तरह से मैं फोल्ड कर लूंगी, इसको ऐसे फोल्ड करूंगी। फिर से इसको बेल दूंगी। बन गया, देख सकते हैं हमारे। फिर ये भी पराठा ऐसे आप लच्छा लच्छा देख सकते हैं, खुला खुला निकाल लूंगी मैं, फिर और डालूंगी। बन गए हैं ये सबसे बाद में हमारा छोटा पराठा था, ये भी देखिए कितने लच्छेदार हैं, खिले खिले। इसी तरह मैं सारे पराठे निकाल के रख ली हूँ। देखिए दोस्तों, हमारे सारे पराठे एकदम खिले खिले हैं, बन के तैयार हो गए हैं। आप भी ऐसे ट्राई करें और हमारा पराठा पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सियाराम।